हाय दोस्तों, हम फिर से लाए एक नया एम्पलीफायर जाइफर जड 7 का रिपेयरिंग का वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे इस मशीन में हमारा लाइट नहीं आ रहा है तो कैसे इसको हम अभी ठीक करें। तो चलिए इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जाइफर को कैसे ऑन करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप कुछ डिटेल्स बता देना चाहते हैं। ये हमारा लोगो है, ओरिजिनल का लोगो है, बहुत खूबसूरत लोगो है। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऐसा वीडियो आप देख सकते हैं रोज़ाना। तो चलिए इसको हम अभी लाइट देते हैं। देखिए लाइट देने के बाद में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब स्विच देने के बाद हमारा कोई लाइट नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो हमने एक और वीडियो इसका जाइफर जड 8 का बनाए हैं, जिसका ऑडियो दिक्कत है, उसका वीडियो हमने डाल रखा है चैनल पे, जाके वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम अभी सबसे पहले बात करते हैं इस कैबिनेट को। कैबिनेट बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग बनाया गया है। इस कैबिनेट का लुकिंग बहुत ख़तरनाक है। तो चलिए इसको हम अभी निकाल लेते हैं, कैबिनेट को उठा लेते हैं अभी हम। तो दोस्तों, अभी हम कैबिनेट को खोल चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं चार वायर गए हुए हैं जो हमारे मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं। देखिए हमारा कुछ हम बैक पैनल भी दिखाएंगे आपको और करंट भी के बारे में हम बताएंगे, कितना करंट कहाँ कितना जाता है वो भी बताएंगे। तो इसमें कोई लाइट नहीं जल रहा है, तो इस वायर कहाँ पे गया है तो देख लेते हैं कि करंट आता है या नहीं आ रहा है इसको। तो चलिए देखते हैं, अभी हम इसको मॉड्यूल को भी खोल लेंगे। सबसे पहले फ्यूज का भी ध्यान रखें कि फ्यूज भी कट सकता है। दोस्तों अभी बिल्कुल लाइट नहीं जल रहा है। दोस्तों हल्का आप वायरिंग भी देख लियो, वायरिंग भी हो सकता है दिक्कत। ये हमारा कनेक्सर जो है 250 वाट वोल्ट का 120 उरेफ का है, और यही कनेक्सर हमारा सारा मॉड्यूल में या पावर सप्लाई में लगा हुआ है। ये हमारा बैक पैनल है जो खूबसूरत डिजाइनिंग किया गया है। तो जॉन को अभी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों अभी ये हम जॉन निकाल चुके हैं। ये अभी हम वॉल्यूम का यहाँ पे लगाते हैं, यहीं से खोले हैं, फिर हम यहीं लगाएंगे। तो आप भी खोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे सॉकेट भी अगर दिक्कत हो जाएगा तो मशीन डेड हो सकता है। तो अभी पूरा हम खोल लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा वायर यहाँ पे आया है, और एक यहाँ पे हमारा 12 टर्नेंसर लगे हुए हैं, और आप वायरिंग भी चेक कर सकते हो कि रेड वायर कहाँ है और ऑरेंज कहाँ है, पीला वाले कहाँ है, हरा वाले कहाँ है। तो आप देख सकते हो, हम आपको वायरिंग बता रहे हैं वायर कहाँ पे गया हुआ है। तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और ऐसा वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी हम दूसरा भी जॉन खोल लेते हैं, सेम वायरिंग है, दूसरा जॉन भी निकाल लेते हैं हम। दोस्तों अभी ये है हमारा जॉन को, आप देख सकते हो कौन सी पार्ट्स इसमें लगा रहते हैं। दोस्तों इसमें 52 से 19 43 कहीं नहीं लगे रहते हैं।
दोस्तों, अगर हमारा टेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो।